उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमने सितंबर में सोचा कि चलो कहीं घूम फिर के आएँ, तो इस बार फिर हमने पत्रियाटा की तरफ रुख कर लिया। अब हम घर से निकल चुके हैं, जीटी रोड की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमने स्टे मियाँ जी होटल में किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। बस कुछ ही वक्त के लिए हम यहाँ पर रुके थे, इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे। इस वक्त आप मरी की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जहाँ पे धड़ाधड़ बारिश होती जा रही है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ। हालांकि आपको भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जितना भी नज़र आ रहा है इसके बावजूद आप देखेंगे कितने प्यारे सीन है। सुबह सुबह का मंजर है, सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे। यहाँ पर बारिश तकरीबन इस्लामाबाद से पहले शुरू हो चुकी थी, जो कि पत्रियाटा जाते वक्त सारे रस्ते हो। इस वक्त हम पत्रियाटा पहुँच चुके हैं और इस वक्त भी बारिश हल्की हल्की हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे पत्रियाटा पार्क के पास ये जगह है जहाँ पर हम रुके हैं, और आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सर्दी थी कि मेरे हाथ ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे, जिसकी वजह से कैमरा भी एक जगह पर टिक नहीं पा रहा और सही से वीडियो नहीं बन रही थी। पत्रियाटा चेयरलिफ्ट यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, लेकिन जो कि इस दौरान इस वक्त बंद हो चुकी थी क्योंकि वो ख़राब हो गई हुई थी, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया था। इस वक्त हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमने सारा कुछ देख लिया था। यहाँ पे इतनी प्यारी मस्जिद भी बनी हुई है, लोग काफ़ी आए हुए हैं। ये देखें ज़रा मेरी बहन की तरफ, मुझे पीछे अकेला मजमू में छोड़ के खुद आगे भागी जा रही है। कोई ख्याल नहीं मेरा, बस अपना ही पता है। स्पीड चेक करें ज़रा लड़की की। कुछ घंटे यहाँ पर गुजारने के बाद हम अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो उसके लिए आपको हमारे अगले व्लॉग का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। से ये कि हमें बेतहाशा खुशी होगी, और अगला व्लॉग भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी, आप वो भी देखेगा और उसे भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.